आज हम पढ़ने वाले हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। ये एक सिंपल सा चीज़ है, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 8, 3 और 5, इसमें 5 जो है वो 835 का इकाई अंक है, इकाई अंक है, और 3 जो है ये दहाई अंक है, और 8 जो है वो 100 का अंक है, मतलब इसको सैकड़ा अंक भी बोलते हैं, सैकड़ा अंक भी बोलते हैं। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा अंक है। 835 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 800 + 30 + 35 + 5। ये 5 जो है वो इकाई का अंक है, इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही बराबर होता है, इसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही बराबर होता है, और इससे 3 जो है वो दहाई अंक है, इसलिए इसे 30 लिखा गया है, और ये सैकड़ा अंक है, इसीलिए इसे 800 लिखा गया है। हम आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे। फाइव फोर टू टू, इसका इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 2 है, सैकड़ा 4 है, और हजार वाला 5 है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5000, ये 5000, ये 3 अंक को 0 लिखा गया है, इसके बाद ये 400, इसके बाद ये 20, इसके बाद ये 2। ये दहाई वाला अंक है इसलिए इसे 20 लिखा गया है, ये सैकड़ा वाला अंक है इसलिए इसे 4000 लिखा गया है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5, 3, 8 और 9, इसका जो इकाई अंक है 9, इसका यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस जो है इकाई पे है, इसीलिए इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही बराबर होगा। अगर हम 8 को लेते हैं तो इसका फेस वैल्यू कितना होगा, इसका फेस वैल्यू 8 होगा, पर इसका प्लेस वैल्यू 80 होगा, इसका फेस वैल्यू 8 होगा, इसका प्लेस वैल्यू 80 होगा। अगर हम 3 को लेते हैं तो इसका फेस वैल्यू 3 होगा, पर इसका प्लेस वैल्यू 300 होगा। अगर इस 5 को लेते हैं तो इसका फेस वैल्यू 5 होगा, पर प्लेस वैल्यू 5000 होगा। फेस वैल्यू बदलता नहीं है, फेस वैल्यू जो संख्या है उसी को ही फेस वैल्यू कहते हैं, पर प्लेस वैल्यू इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाले अंक पर डिपेंड करता है कि आपको लेना कैसे है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4, 8, 7, 6, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 2, 3। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, 7 का स्थानीय मान, और 7 का जातीय मान का अंतर कितना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है। 7 का स्थानीय मान ये है, 7 का स्थानीय मान वह जातीय मान का अंतर कितना है। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू तो बदलता नहीं है तो फेस वैल्यू 7 ही होगा, और जातीय मान कितना होगा, फेस वैल्यू तो बदलता नहीं तो 7 ही होगा, और प्लेस वैल्यू कितना होगा, प्लेस वैल्यू 7000 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने निकालना है, तो 7000 - 7, तो 10 में से 7 जाएगा 3, या 9, 9 यहाँ 6, ये होगा हमें मेरा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 2, 7, 4, 3, 5। यहाँ पे निकालना है 7 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर है, स्थानीय मान का अंतर, डिफरेंस निकालना स्थानीय मान का 7 और 3 का। 7 का फेस वैल्यू तो 7 है और 3 का फेस वैल्यू तो 3 है, तो 7 का प्लेस वैल्यू का स्थानीय मान का निकालना है, तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 7000, और 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 30। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, 0, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 9, यहाँ 6, 6, 9, 7, 0। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फेस वैल्यू किसे कहते हैं, जो संख्या होती है किसी भी संख्या का जो डिजिट है वो खुद फेस वैल्यू होता है, और प्लेस वैल्यू उसके स्थान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे है या हजार पे है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9, 7, 4, 8,
7, 3। हमें यहाँ निकालना है 7 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर। अंतर 7 का यहाँ स्थानीय मान कौन सा है, मतलब प्लेस वैल्यू कौन सा है, या 2 7 है, 1 7 है, ये 1 7 है, तो 7 का फेस वैल्यू तो 7 ही होगा, पर यहाँ प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, तो प्लेस वैल्यू कितना होगा, 7 है, यहाँ 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 4 0 हम देते हैं। 1 7 यह है, इसका 1 7 है, और इसके यहाँ पे 1 0, ये दहाई अंक पे है, इसलिए हमने 70 लिया है। अंक ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, ये 10 हज़ारवां अंक पे है, इसीलिए हमने 70,000 लिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, इस तरह से हमें सजा लेना होगा जब भी कोई क्वेश्चन आए, जैसे का फेस वैल्यू ये है और प्लेस वैल्यू आप उसके बाद वाला अंक का पे 0 लेके कर सकते हैं। जैसे यहाँ 7 लिए हैं, 7 इसका फेस वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू कितना होगा, यहाँ 1 लिखते हैं और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 लिखते हैं, ये इसका फेस वैल्यू 7 है, और प्लेस वैल्यू कितना है, 1 लिखते हैं, इसके बाद वाला, इसके बाद एक अंक है, तो 1 0 लिखते हैं, तो ये हो जाता है यहाँ 70। तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना निकलेगा, 0, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही ईजी है, ये इसमें थोड़ा सा ही, इतना सा ही कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको एक नंबर पक्के हो जाते हैं। आज हमने सीखा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में।